नमस्कार विद दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 3 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, शुरू हुई झमाझम बारिश, 1 माह में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बड़े लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं, गरीब ऋण चुकाकर सम्मान की जिंदगी जीते हैं। CBSE 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित, 499 अंक हासिल कर 4 विद्यार्थियों ने किया टॉप, कुल 86.7 परीक्षार्थी रहे सफल। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 10वीं बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करना सही फैसला था। नरेंद्र मोदी के 4 वर्ष के कार्यकाल में 63,69,655 करोड़ रुपए बढ़ा बाजार पूंजीकरण। कैराना उपचुनाव में फेल हुई EVM, 73 बूथों पर फिर से मतदान की सिफारिश। कांग्रेस के आरोप, सरकारी योजनाओं का चुनावी फायदा उठाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राजनीतिक असहिष्णुता के शिकार मोदी देशवासियों के विकास नायक। अखिलेश यादव बोले, 2019 में लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी भरने गई 5 महिलाएं, कुएं में गिरी 1 की मौत। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 9 नागरिकों की मौत। बांग्लादेश में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, 86 मरे, 7,000 गिरफ्तार। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।